ये है दी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल इन दुबई और यहाँ रुके हुए हैं हमारे PSL के सारे स्टार्स। और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं यहाँ भाग जाऊँ और इन सब से मिलूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं इन सब से मिलने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्या हाल है ब्रो? तो PSL की दुबई की फर्स्ट लेग खत्म हो गई है, अब कल से शारजा है और कुछ इस तरह की चीज़ें, नेक्स्ट लेवल चीज़ें अभी तक हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, हमने रुख किया टुवर्ड्स द वेरी फेमस HBL फैन बॉक्स जो हमने आज से पहले खाली TV पर देखा था। और भाई वहाँ का माहौल मतलब नेक्स्ट लेवल ऑन होता है। HBL बॉक्स के अंदर आ गए हैं हम। नंबर टू, ये जो मेरा मीडिया पास है थैंक्स टू क्रिक एंड जिफ, ये मुझे कमेंटेटर्स बॉक्स के अंदर भी अलाउ करता है जहाँ हमारे सारे डैनी भाई, रमीज भाई, एलन भाई, मैथ्यू भाई, ग्रैम भाई, जॉन्टी भाई सब बैठे हुए होते हैं। तो ये सब वहाँ बैठे होते हैं, मुझे मीडिया पास वहाँ जाने के लिए अलाउ करता है। तो मैं जहाँ पे सोता हूँ यहाँ पे अपेरेंटली के आसपास कमेंट्री हो रही है अंदर। कोई अंदर तो खाली है, कुछ भी नहीं होगा। दुबई के स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कमेंट्री करते हैं। फखर जमान, मोहम्मद शमी इज नॉट बॉल ब्यूटीफुल। खाली कमरा तो मिल गया लेकिन कमेंटेटर्स बॉक्स मिल के ही नहीं दिया। तो फिर हम कल, ये मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ कमेंट्री बॉक्सेस के एरिया में, एक तो कल आया था, आज फिर से आया हूँ इन द उम्मीद कि यार कोई चांस मिल जाए कि मैं जहाँ कमेंट्री हो रही हो, जहाँ रमीज भाई, डैनी भाई बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, लग रहे हूँ। अरे रमीज भाई, याद है, मजाक कर रहा हूँ। मैंने हर दरवाजे से कान लगा के देखा कि कहीं से रमीज भाई की आवाज़ आ रही है, बट मुझे एंड तक कमेंट्री बॉक्स नहीं मिला यार। लेकिन एक और बड़े मज़े की चीज़ मिल गई। पक्की बात, ब्लॉग बना रहा था मैं, ब्लॉग के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, So here we are from Jamaica with love, babe. Amber Russell ने अपने आने का भरपूर अंदाज से ऐलान किया और किया जो तो मार्क स्टाइल पांच सेल पे नॉट आउट। Once again, most to Russell and Russell the Stammers. What's up this down? Back my point. Feel this after. Will he get there? He won't fall off. एंड नंबर थ्री, क्योंकि ये PSL की दुबई की फर्स्ट लेग खत्म होने के बाद मेरे पास दो दिन फ्री थे जिस दिन कोई मैचेस नहीं थे, कल से शारजा है, तो मैंने कहा अब दो दिन फ्री हैं तो ज़रा थोड़ा सा दुबई शुबई देख लिया जाए। दुबई शुबई, जस्ट अनदर डे इन दुबई, बट नॉट जस्ट अनदर डे इन दुबई, वी हैव विद अस मिस्टर Not best friend anymore because Danny Morrison is our new best friend. मेरा कराची का दोस्त अब्दुल्ला आजकल दुबई आया हुआ है, तो हमने कहा भाई दो काम है, पहले तो हम दोनों ने लेनी है एक अदद हुडी। हम लोगों को हुडी चाहिए थी और हम लोगों को सस्ते में हुडी चाहिए थी, तो हम मॉल ऑफ एमिरेट्स गए इस नियत से कि चलो ढूंढना पड़ेगा सस्ती हुडी कहाँ से मिलेगी। फिर हम पहली जो हमें शॉप मिली उसमें हम घुस गए और पता लगा उसके अंदर बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था, तो हम लोगों के जो हाथ में पहली चीज़ आई हमने वो ले ली और अब देखें हमारा क्या हाल है। सेम टू सेम गाड़ी आ रही है, चल। और दूसरा काम यार, मतलब दुबई आए हैं, थोड़ा दुबई देखें तो सही, मतलब दुबई के बीचेस कैसे हैं, दुबई की रोशनी कैसी है, सब बताओ यार, दुबई आखिर है कैसा। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं दुबई में लामेर बीच पे, कुछ खास करने को नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ऐसे ही आए हुए हैं, लिटरली ऐसे ही आए हुए हैं।
Abdullah bhai is taking a picture of me for Instagram. Apne muh se to hata na. Haath aise na. Aise? Haan, aur udhar dekh. Kaise? Kahan dekhun? Camera mein dekh. Bhai, do din se koi match nahi hua yahan pe. Aur halanki bahut tiring experience hota hai match karna. Lekin mere liye bahut boring ho gaya because itna maza mujhe matches pe aa raha tha. It feels like there's nothing to do. कल जा रहे हैं हम शारजा बाय द वे सो स्टे ट्यून फॉर सम मोर दुबई अगर ये शहर एक इंसान होता तो आई एम श्योर ये एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी होता मतलब फुल ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर चमकती बिल्डिंग्स दैट लिटरली रीच द 8th स्काई और इन्हीं बिल्डिंग्स में से देखा हमने एक होटल जहां रुके हुए हैं हमारे PSL के सारे स्टार्स तो अब सीन ये है कि क्योंकि मैं PSL के बीच में अब इस तरह घूम रहा हूँ तो मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके साथ बैठूं टाइम स्पेंड करूं बातचीत करूं गप्पे मारूं मतलब उनसे मिलूं असेंशली अब इन प्लेयर्स से मिलने के दो तरीके हैं एक तो ऑब्वियसली मैच के दौरान या मैच के बाद या मैच के पहले ग्राउंड के अंदर स्टेडियम के अंदर लेकिन उसमें मसला ये है कि मैच से पहले हमारे प्लेयर्स बहुत फोकस्ड होते हैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं फॉर द गेम तो उस वक्त यू कैन नॉट अप्रोच देम एंड मैच के बाद वो बहुत थके हुए होते हैं तो उस वक्त भी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू अप्रोच देम बिकॉज उस वक्त वो वहाँ से बस निकलने की कर रहे होते हैं और दूसरा ऑप्शन इन प्लेयर्स से मिलने का है इनका टीम होटल जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो अभी जब मैं अब्दुल्ला के साथ बाहर निकला हुआ था तो मैंने सोचा कि यार क्या पता कि प्लेयर लॉबी शॉबी में मिल जाए हमें होटल की अगर हम वहाँ पर जाएँ मतलब चांस लिया जा सकता है इट्स प्रॉबेबली वर्थ अ शॉट लेकिन फिर जब मैंने ये सोचा कि जब मैं प्लेयर्स को अप्रोच करने जा रहा हूँगा जब उनसे बात करने जा रहा हूँगा तो वैसे तो कोई मसला नहीं है बट अगर उनको मैंने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ना बोल दिया मतलब बात करने से या व्लॉग में आने से ना बोल दिया तो भाई का दिल टूट जाएगा अगर आप क्रिकेट फैन नहीं हैं तो शायद आप ये बात ना समझें लेकिन अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ और सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे पता है कि प्लेयर्स का ना करना बिल्कुल बनता है मतलब पूरे दिन वो कैमरे के अराउंड होते हैं हर वक्त उन्हें कोई ना कोई अप्रोच कर रहा होता है वो थक जाते हैं ये उनका फ्री टाइम है और उसके अलावा ये भी है कि इनकी टीम्स के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स और मैं इस बात को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ मतलब इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स में करना पड़ता है यार लेकिन मतलब अगर तो उन्होंने ना बोल दिया तो दिल तो टूट जाएगा और मुझे ये सारे प्लेयर्स बहुत अजीज हैं तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम इनके होटल नहीं जा रहे हम जा रहे हैं वापस घर थक गए हम जिंदगी से आज 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 अल्लाह करे मेरा कमरा साफ कर दिया हो हम हर जगह जिंदगी में नंबर वन और गलत पहली बार गलत कमरा है मेरा अच्छा नंबर वन नहीं है हमें घमंड नहीं है नंबर टू है कमरा साफ हो अल्लाह करे कर दिया कमरा साफ कर दिया हमने कमरा साफ कर दिया ओ ओ करने दे ओ ओ तो हम लोग इंटरकॉन नहीं गए हम घर आ गए देन अगेन ऐसा तो कोई सीन हो ही नहीं रहा कि मैं प्लेयर से मिले बगैर कराची जा रहा हूं हो ही नहीं रहा चलते ही हैं यार क्रिकेन जेफ अपने क्रिकेन जेफ के बॉयज को मॉडल सपोर्ट के लिए साथ लेकर हम निकल पड़े टूवर्ड्स इंटरकॉन मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ दुबई में इंटरकॉन होटल के बाहर जहाँ पर सारे फ्रेंड्स वगैरह हमारे रुके हैं और जाके होपफुली कोई फ्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे मैं आप लोग दिखाता हूँ कहाँ हैं प्लेयर्स प्लेयर्स कहाँ हैं किधर हैं मैं गुजर रहा था मैंने कहा कोई ब्लॉगर आया हुआ कुछ मुझे तेरी रिफ्लेक्शन नजर आई है शीशे के अंदर मैंने कहा कोई ब्लॉगर है कोई ब्लॉगर ये तो अपना वो है अरे यार ये तो पूरा होटल खाली है मतलब यार लगता है कोई है नहीं यहाँ पे सब गए होंगे बाहर कहीं यार क्या सीन है कहाँ है सारे यार इसने कुछ 3.5-4 घंटे से मैं बैठा हूँ और एक प्लेयर नहीं मिला मुझे यहाँ पे अभी तक बट किसी ना किसी तो मैं मिल के जाऊँगा
फिर मिला कोई कि नहीं बताओ मेरे सामने सरदार भाई बैठे हैं सर बिग फैन आपका सर बोल नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रीजंस सोहेल तनवीर भाई से मिला भाई लेकिन दो चीज़ें होंगी यहाँ पर एक तो सरदार भाई का हाथ आएगा कैमरे के सामने सर ह्यूज फैन ह्यूज फैन और फिर सरदार भाई खुद भी आएंगे बोल नहीं सकते कोई मसला नहीं है लेकिन सरदार भाई हेलो बोल दिया ना गूंगा है कोई मसला नहीं थैंक यू तख लिया